नमस्कार मु अंजलि स्वागत करछु आपन को मो चैनल अंजलिस किचन डायरी को आज मु आपन को बनेबा सिखेबी रेस्टोरेंट स्टाइल लो चिली पनीर आमे भावंती आमे घरे बनेले कोन पे रेस्टोरेंट स्टाइल लो बनोनी तो मु आज आपन को स्टेप बाय स्टेप सिखेबी आपन इजीली केमती घरे बने परबे चिली पनीर तो चलन तो स्टार्ट करबा आज रेसिपी चिली पनीर पे मु नेची 250 ग्राम पनीर एमती ताकु स्क्वायर शेप रे काटनी छी 2 प्याज को एमती काटनी छी बड़ बड़ करके किछ रसुन एमती काटनी छी गोटे कैप्सिकम एमती स्क्वायर शेप रे काटनी छी 2 कंचा लौका को एमती लंबा करी काटनी छी किछ धनिया पत्र एमती चुना चुना करी काटनी छी प्याज आपण एमती काटिबे आपण मैदा 4 बड़ चम्मच कॉर्नफ्लोर 3 बड़ चम्मच अदा रसुन पेस्ट गोटे छोटे चम्मच विनेगर हाफ छोटे चम्मच सोया सॉस गोटे छोटे चम्मच टमाटो सॉस गोटे बड़ चम्मच गोलमरीच गुंड गोटे छोटे चम्मच अजिनोमोटो हाफ छोटे चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस गोटे बड़ चम्मच चीनी हाफ छोटे चम्मच लुण स्वाद अनुसार एबे हमें पनीर को मैरिनेट करना फर्स्ट गोटे प्लेट रे एमती पनीर को काढ़ी नौचे एमती काढ़ी नियंतु तापरे ए मु क्रश करके रखा गोलमरीच गुंड को भल से स्प्रेड कर नौचे ता उपरे हमें जो जिंजर गार्लिक रो पेस्ट बन रखी ताको पके दबा एबे लुण हाफ छोटे चम्मच मु पकोचे आपण देखिके पकेबे मैदा गोटे चम्मच एमती जस्ट मु ता उपरे डस्टिंग पे पकोचे आपको हमको जस्ट हल्का सा एमती कोट करनबार अच्छे आस्ते आस्ते बेसी जोरे करें आस्ते आस्ते ही हाथ में एमती करिवार अच्छे हमको देखो एमती हल्का हल्का मु सब कोट करनेली एबे हमें चिली पनीर बनाया पई तार बैटर बनाई नबा मु 3 चम्मच मैदा पकोचे 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर एबे आपको भल से मिक्स कर नबा एबे मु टिके अल्प अल्प पानी देकी आर बैटर बनाऊँची आपण एका सहित पानी देबेनी अल्प अल्प पानी करके ही आर बैटर रेडी करार अछि कंसिस्टेंसी एमती रहिबो एबे मु गोटे कढ़ाई रे तेल गरम कर देछि ई तेल हमर गरम हे गलाणी आमे जो बैटर बनाई रखले ता देर एमती पनीर को कोट करके मु गोटे गोटे फ्राई कर नौ छी देखंतु एमती सब पनीर को एमती फ्राई कर नबा मु सब पनीर पके दीछि एबे गोटे साइड आमर गोल्डन ब्राउन कलर हो गलानी आ गोटे साइड फ्राई कर नबा भल से यार पटा साइड भी भल से गोल्डन ब्राउन कलर हो गलानी एबे आकु एक प्लेट रे काढ़ी नबा एमती बाकी तक पनीर को भी छाणि नबा भल से ये गोटे साइड गोल्डन ब्राउन कलर हो गलानी आ गोटे साइड भल से फ्राई कर नबा ये भी पनीर हमर पूरा फ्राई हो गलानी भल से गैस ऑफ कर दो छी एबे आकु प्लेट रे काढ़ी नबा ये हमर सब पनीर फ्राई के रेडी हो गला देखन तो ऊपर केते क्रिस्पी आ भितर केते नरम हो छी एबे मु गोटे पैन बसई छी गैस रे एबे किछि तेल पके नबा ता धीरे तेल एबे गरम हे आसलानी एकरे मु छोट छोट चॉप करी रखी थीबा रसुण को पके दउ छी 2 सेकंड पे ताको भल से एंती भाजी नउ छी लंबा लंबा शेप रे एंती कंचा लंका जो काटी रखली ताको पके दउ छी को भी 2 मिनट पे फ्राई कर नउ छी एबे काटी रखी थीबा कैप्सिकम एवं प्याज को पके दउ छी आकु भी चिली आइटम रे प्याज और कैप्सिकम को बेसी भजा जाए नहीं तो हमको जस्ट सालो फ्राई करियार अच्छे ये 5 मिनट में भाजी देला परे इतने मु स्वाद अनुसार लुण पकोचे आपण आपण को टेस्ट हिसाब रे लुण पकेबे एबे मु अजिनोमोटो पकोचे अजिनोमोटो पकेले बहुत ही टेस्ट भलो आस्ते एटा सब चाइनीज आइटम रे पड़े आपण चाहिले एटा पके पारे नहले स्किप करें
ବଟ୍ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ପକାନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏବେ 2 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ମୁଁ ଆଧିରେ ସୋୟା ସସ୍ ପକାଉଛି। ସୋୟା ସସ୍ ପକାଇ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ସସ୍ ପକାଉଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ସସ୍ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକାଇ ନେଉଛି, ଆକୁ ଏବେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ହାଫ୍ ଛୋଟ ଚାମଚ ଚିନି ପକାଉଛି। ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସବୁ ସସ୍ର ଫ୍ଲେଭର ବାଲାନ୍ସ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ଏବେ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିବା ପନିର ଆଧିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ପନିର ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲସେ ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା ମିକ୍ସ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏମ୍ ପୁରା ମିକ୍ସ କରିନେଲି। ଏବେ ଏଥିରେ ହାଫ୍ ପିଞ୍ଚ ମୁଁ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ପକାଉଛି, ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍। ଏଇ କଲର୍ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଦିଶୁଥାଏ, ପୁରା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର। ଏବେ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପାଣିର ଷ୍ଟକ୍ ବନାଇ ରଖିଥିଲି ସେମି ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ। ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ନେଇକି ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି। ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ଗ୍ରେଭି ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପକାଇକି ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ହାଫ୍ ଛୋଟ ସ୍ପୁନ୍ ଭିନେଗାର ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଭିନେଗାର ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟରେ ହିଁ ପକାଇବେ, ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ଏ ଆମର ପନିର ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି, ଚିଲି ପନିର। ଏବେ ମୁଁ ଆଧିଏରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇକି ଆକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଇଏ ଆମର ଚିଲି ପନିର ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଗରମା ଗରମ ନାନ୍ ୟା ପରଟା ସହିତ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯାଏଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଉପରେ ଆସୁଥିବା ଏଇ ଫେସ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତାକି ମୁଁ ଯେଉଁ ବି ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିବ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।